हेलो गाइस, मैं हूँ आपका इंग्लिश एजुकेटर। हमने टूटन के सारे खोटे कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर। हमने आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। नोट पे भी आपको दो नोट में आपको दिखे होंगे मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। और हमने भी आपको इन्फॉर्म किया था। तो हम लोग पर्यटन से शुरू करेंगे। हम लोग ज्यादा घूमेंगे, फाइल के उत्तर होने के बाद ही है नहीं करेंगे। हम लोग पत्ते लेते लेके 18 तक करेंगे। चलिए पत्ते हैं। रोज आपके लिए ग्रामर के 2-3 वीडियोस आ जाएंगे या फिर कम से कम एक तो आ ही जाएगा। आज ही से शुरू हो जाएगा। चलिए पत्ते हैं। लतन हल्का बतन मत, तो ये बहुत सिंपल लतन है लेकिन बेसिक लतन जो की आपने एलकेजी तक ठीक होगा। हल्पा भै, ये है हमारे सारे अल्पा भै। ठीक है, उससे पहले लेट लर्न अबाउट इंग्लिश अल्पा बेटिक बिग गन मार लेता। अब इंग्लिश के अल्पा भै बड़े होते हैं और छोटे रहता है। ये सब आपको बेटिक ही पते होंगे। Do you remember the English alphabet? Can you read with us? तो चले ये E-I-O-U होते हैं वोवल। तो ये बाकी सारे होते हैं कंटोनर। देर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। 26 अल्फाबेट होते हैं। तो यहाँ पे पता है अब मॉल लेटर कहते दिखते हैं। मॉल लेटर ABCD ऐसे मॉल लेटर दिखते हैं और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और कर्ती लेटर तो कैपिटल कर्ती लेटर। अभी आप पठान में हो इसलिए आपको कैपिटल कर्ती लेटर पता नहीं होगा लेकिन वो भी होता है। इसमें थान मीन के होते हैं। थान मीन एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल लेटर और एक होता है कर्ती और एक कैपिटल कर्ती। नो ये है नोट। तो कहते तत्कल बौद्ध देखते हैं कौन सा तक्कल है। AEIOU ये सारे होते हैं वोवल। AEIOU ठीक है वोवल। और ये बाकी सारे जो आपको ये वर्ड दिखते हैं ये वाले वो खंतोनट है। तो अनदर वर्ड था खंतोनट। लेटर इन द तक्कल इज वोवल। इनको वोवल कहते हैं और इनको खंतोनट। आपको एक गलत करना है। दो ना कंटोनेंट होते हैं इन्हें ग्रीन कलर और दो वॉवल्स होते हैं उन्हें पिंक कलर। यहाँ पे आपको जो नोट दिखते हैं वर्कशीट नंबर 2 यह है वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट 2 कहते कहते यहाँ पे हमने नाउ कहते मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है। जिनको इनकी फलिंग आता है उनको ये लिए बहुत आसान है और जिनको फलिंग इनकी नहीं आती तो चलिए अंतर जी की CAT कैट है। तो आर है टी हॉट BOOK बुक। ये है वर्कशीट नंबर 2। आता है वर्कशीट नंबर 3। तो अभी ये है ये बहुत आसान हो सकता है आपके लिए। पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पे और 3 है उनका ही कहीं आपको इनमें कंप्यूटिंग नहीं होना चाहिए। बाकी 2 इसके ही हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है ये इनसे ही जुड़े हुए हैं। TIGER टाइगर APPLE एप्पल DR गई आपके हारा कंप्यूटर ही होंगे। ये ओ नहीं ए है PE है। वर्कशीट नंबर 3 दैट द नेम ऑफ एनीथिंग पीपल टी नेम शुड बिगिन विद अ वोवल एंड टी शुड बिगिन विद कंटोनेंट। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे 3 नेम हमें लिखना है वोवल्स के साथ और नीचे वाले हमें लिखने हैं कंटोनेंट के साथ। तो आप अपने फैमिली का नाम लिख सकते हो जैसे आदित्य ने अपना नाम लिखा। ईशा कोई भी हो सकती है। उर्मिला भी किसी का नाम हो सकता है। ये बसराज ये हमारे पापा का नाम। ये मेरा नाम और ये हमारी मम्मी का नाम। ये कंटोनेंट में है।
मेरा नाम होता है बॉबली, बाकी सारे मेरे खंतोनाथ के हैं। मेरे पापा का नाम बी वो खंतोनाथ है, एम खंतोनाथ, पी खंतोनाथ, बट मैं हूँ बॉबल तो ऊपर आ रहूंगा। हिंदी ना एकदम फितरत या फिर बिहार पहचाने मत इतने मतलब पहचाने फितरत को और दी अरविंद खंतोनाथ कंप्लीट द वर्ल्ड। अगर मैंने खून नहीं किया है लेकिन नाम ने तब चेक किया है यहाँ पे लग दिया है, मैंने किया नहीं है। एल एम पी हो टी ए बी एल ई हो डी ओ टी के हो एल ई लीप, ये तबला लिखा है लेकिन ये गलत है, बी यू टी टी ई आर बटर डॉकेट आर ओ टी के ई टी डॉकेट है पेलो बी ई आर टी आर वाई ओ एन। मैंने खुद नहीं किया है वो चीज नंबर फोर, इसमें बहुत सारे वर्ड चीज होते हैं। और गाइस इसमें हम पहले जानेंगे व्हाट इज ब्लेंड्स, ब्लेंड क्या होता है। नोट ग्रुप ऑफ टू और थ्री कंसोनेंट मिक्स्ड द टेंथ टर्न थर्ड एंड एप्पल और पी आर आर कॉल्ड। जैसे देखिए अब हुआ फ्लोर, अब फ्लोर बोल रहे हैं है ना, पी एन ब्लू प्लैनेट हैप्पी आर पिंक पे स्प्रे स्प्री प्ले प्ल प्ल प्ला, इसीलिए पी एल को जोड़ देता है प्ला, इसीलिए इसे ऐसे बुलाते हैं। अब वर्कशीट फोर के आप सारे आंसर देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ब्लैंक, यहाँ में ब्लैंक करने सी आर ओ डब्ल्यू एन टी आर यू क्राउन क्रो क्रो, यहाँ पे आप क्रो स्प फ्रू शा प थो लो, इसीलिए इन्हें ब्लैंक्स कहते हैं। ये भी मुझे कहा है बी एल ए एन टी टी ब्लैंकेट ब्लैंकेट ब्ला 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 ब ब ब्र ग्लो ग्लो। वर्कशीट नंबर फाइव फ्लैग, हमारा इंडिया फ्लैग है ये। सेकेंड नंबर दम, आपको ये सारे वर्ड इनमें फिल करने हैं। ये आप ये एक छोटा सा हेल्प बॉक्स दिया है आपके लिए, सी आर पेपर डी आर एप्पल लॉन्ग ओ ओ वर्टन थॉट ओ ओ वर्ट धूम टुक द ओ ओ थाउंटेड डिपेंड इन द अबाउ टू वर्ड वन हैड अ लॉन्ग ओ ओ थर्ड हैड धूम द अनदर हैड अ थॉट ओ ओ हैड टुक धूम धूम, वो बड़ा ओ है धूम धूम टुक टुक टुक, बहुत कम लिया गया है ओ छोटा सा, लेकिन ये धूम इसमें ओ का बहुत जोर होता है। वर्कशीट नंबर थ्री, लुक फॉर द डिपेंड हाउस इट मेक द लॉन्ग ओ ओ थाउंड है द धूम कलर देन पिंक द लॉन्ग है लॉन्ग कूल 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 कूल, तो फिर इन्हें पिंक से कलर करना है। इट इट मेक द थॉट ओ ओ थाउंड है टुक कलर देन देन, मतलब दो थॉट ओ होते हैं थाउंड वो होते हैं डेड कलर के और दो लॉन्ग है उन्हें पिंक, या कह सकते है मैंने नहीं किया है वो की नंबर था कूल लुक। जैसे कि अब ये आप रेड करोगे बुक बुक, ये आपका होमवर्क है। तो ये वर्कशीट नंबर सेवन, लुक एट द मून मून, हमें बस इनको लाल वाले ओ वाले को करना है जो बड़ा साउंड करता है उन्हें लॉन्ग ओ जो लॉन्ग ओ उन्हें सर कर। द टेबल इज मेड ऑफ वुड वुड, यहाँ पर मैंने बस अंडरलाइन किया है थे और तो कंगारू इन धू कंगारू धू ये बड़े हैं। द फूड इज गुड फूड इज गुड माय फुट गुड इन द बोट बोट डायमिंग वॉट नोट वर्ड डायमिंग द वेद वर्ड डायमिंग वेन दे हैव द थीम एंडिंग टाउन देर बैर फैट कैट मैट बैट डायमिंग वर्ड हो रहा है देर बैर फैट
कैट मैट बैट। ये बहुत आसान है डाइविंग बोट। बोट इज नंबर एक। यहाँ पे अभी लेटन ये हमारा लास्ट वर्कशीट है, वर्कशीट 9। वर्कशीट नंबर एक, कॉट आउट द वर्ड दैट डोंट नॉट डन इन ईच वन हैव बीन डन फॉर यू। ये पहला वाला आपके लिए बना है, पैर नहीं होता। यहाँ पे आप अंतर देखिए, न थ ब थ हट हैट हैट नट हट बट हैट, वो बट नहीं मिल रहा। हॉट नॉट कॉट बॉट, ये थोड़ा गलत है। बॉट बॉट नॉट कॉट बॉट, ये सबको थेम है। आपको इतनी कंफ्यूजिंग हो रहा है, सबको थेम है। हॉट नॉट, ये नॉट वन गलत है। तो यहाँ पे है वर्कशीट 9। यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ चुका है वर्कशीट नंबर 9 हमारा लास्ट लेटर। हमें यहाँ पे सिर्फ गिनना है 10 मन। हमें यहाँ पे डायमंड वर्ड लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ पे लेकर। यहाँ पे हमें मन तन मन वन बंधन टॉप पॉप टॉप गीत फीत मीट डीट ऐसे ही सारे हैं। अब हॉट बेबी क्यूज, टाउन डाउन ब्राउन क्लाउन बाउन डेन बेन बेन पेन पेन। ये भी बहुत आसान है, आपको यहाँ में से लेकर ही करना है, ठीक है। रुदुत्ता मत लिखिएगा। वो वर्ल्ड टन कंटो ना धिपन या टू गैदर दे फॉर्म अल्पाबत सिमिलरली डू यू थिंक इवन थॉट वी आर धिपन टू गैदर वी कैन फॉर्म अ हैप्पी वर्ल्ड येट अंतर येट। यही पे हमारा वर्ड लेटर हो जाता है खत्म। यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। कहते ही हमारा आज का वीडियो होता है खत्म। अगर मयूरी भी आपको अबाकस का लेवल 2 भी पढ़ा रही है, उसका पार्ट 3 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।